आप सबको स्वागत है इलेक्ट्रिकल डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कैसे होती है। हर तरह के अलग अलग एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कुछ अलग अलग होती है, तो उसके कैसे कनेक्शन करेंगे उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल में पहले से ही बोर्ड कैसे फिटिंग करते हैं, स्विच सॉकेट कहते हैं कैसे लगाते हैं, उस टाइप की वीडियो मेरे चैनल में है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हो। दोस्तों पहले मेरा ये जो बोर्ड है इसमें मैंने एक इंडिकेटर और 3 5 इंच सॉकेट और 1 2 पिन सॉकेट और 3 स्विच को कनेक्ट किए है। तो दोस्तों इसकी वायरिंग कैसे मैंने की है आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो बोर्ड है ये हमारा एक कंप्यूटर के लिए कंफर्टेबल है, आप किसी सिस्टम को इसमें लगाकर चला सकते हो। दोस्तों ये इससे देखिए ये हमारा बोर्ड की वायरिंग मैंने कर दिया है, आपको बताता हूँ कैसे मैंने वायरिंग की है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पहला क्या है, इसमें एक इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर है और ये हमारा 3 सॉकेट है, 1 2 3 5 इंच सॉकेट है और ये लास्ट में 2 पिन सॉकेट है और ये तीनों हमारा स्विच है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो फेस का जो वायर है, हमारा मेन जो फेस है वो फेस क्या होता है कि जो स्विच का जो निचला वाला जो हिस्सा है, जो इनपुट वाला पॉइंट है, वो तीनों स्विच से कनेक्ट है, 1 2 3, ये तीनों स्विच से एक वायर कनेक्ट है, मतलब ये फेस का वायर है। ये जाकर हमारा क्या इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्ट होगा, मतलब कि इंडिकेटर को फेस मिल गया और तीनों स्विच को फेस मिल गया। अब हमारा क्या होगा कि न्यूट्रल पॉइंट, हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इंडिकेटर इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होकर सॉकेट के जो एन वाले एन जहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है, ये जो सॉकेट का ये देखिए यहाँ पर एन मतलब न्यूट्रल, हमारा इस सॉकेट के इंडिकेटर से आके सॉकेट में और सॉकेट से लेकर दूसरे सॉकेट तक एन वाले पॉइंट से कनेक्ट होकर लास्ट में 2 पिन के एक पॉइंट से कनेक्ट होगा। हमारा न्यूट्रल को न्यूट्रल कनेक्ट हो गया और फेस को फेस कनेक्ट हो गया। तो अब हम जो स्विच दे रहे वो स्विच में क्या है, जो तीनों स्विच है, तीनों स्विच देखिए, ये जो पहला स्विच है, पहला स्विच से दोनों प्लग ऑपरेट होगा, ये दोनों स्विच, ये दोनों सॉकेट का वर्क इस स्विच से होगा और इस वाले सॉकेट को इस स्विच करंट सप्लाई देगा और इस वाले सॉकेट को इस स्विच करंट सप्लाई देगा। तो इसकी कनेक्शन कैसे किया है देखिए, ये जो हमारा ये देखिए ये हमारा जो ये जो दोनों सॉकेट है इसके देखे ये जो स्विच के जो आउटपुट जो पॉइंट है, स्विच के आउटपुट पॉइंट से मैंने सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे यानी कि लाइन करंट वाले पॉइंट में कनेक्ट किए है और जो दूसरे स्विच जो दूसरे सॉकेट है जो 2 पिन सॉकेट है उसके एक पॉइंट से मैंने स्विच के आउटपुट से लेकर कनेक्ट कर दिए है, यानी हमारा स्विच जब ऑन होगा इस दोनों प्लग को सप्लाई आएगा, फेस का सप्लाई आएगा। अब हमारा दूसरे स्विच के आउटपुट से हमारा एक प्लग के जो उसके बीच वाले जो प्लग है उसके एल वाले पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिए ताकि ये स्विच जब ऑन होगा इस एल वाले इस सॉकेट को फेस का सप्लाई आएगा और ये दूसरा भी उस तरह से कनेक्ट कर दिए ताकि ये स्विच जब ऑन होगा इस सॉकेट को फेस का पॉइंट आएगा। तो इस तरह से हमारा वायरिंग हो गया, ये देखिए ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये हमारा सप्लाई हो गया और हमारा जो मेन वायर आएगा वो देखिए ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारा फेस पॉइंट है और उस दोनों साइड से एक न्यूट्रल एक में फेस कनेक्ट कर दिए तो इस बोर्ड को करंट सप्लाई आ जाएगा। तो ये था पहला बोर्ड। अब दूसरे बोर्ड में ये देखिए इस बोर्ड में मैंने दो स्विच दोनों सॉकेट को कनेक्ट किए है। तो पहले क्या इसकी वायरिंग कैसे है देखिए, हमारा जो दोनों स्विच में फेस का कमन होगा, दोनों स्विच के इनपुट वाले पॉइंट से हमारा जो लाइन का जो मेन फेस है वो इसमें कनेक्ट होगा और हमारा जो सॉकेट का जो दोनों सॉकेट में एन लिखा हुआ है न्यूट्रल वाले पॉइंट से हमारा जो लाइन का जो न्यूट्रल पार्ट है वो न्यूट्रल वायर इसमें कनेक्ट होगा, हमारा दोनों सॉकेट को न्यूट्रल मिल गया स्विच के थ्रू, स्विच के आउटपुट पॉइंट से हमारा सॉकेट के एल वाले पॉइंट से इस स्विच के आउटपुट पॉइंट से हमारे सॉकेट के एल वाले पॉइंट में यानी कि करंट इसमें फेस सप्लाई आ जाएगी। तो हमारा जो मेन वायर जो आएगा इसमें एक लगेगा फेस और दूसरा जो वायर है इसमें एक लगेगा न्यूट्रल, इस दोनों साइड इसमें फेस इसमें न्यूट्रल, इसकी वायरिंग इसमें करंट सप्लाई देने के बाद इस ये बोर्ड भी वर्क करेगा।
तो ये हमारा जो तीसरा जो बोर्ड है इसमें मैंने एक सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर को कनेक्ट किए है। तो इसकी वायरिंग भी कुछ इस तरीके से, ये देखिए हमारा जो जो इंडिकेटर है उसको हमारा फेज की ज़रूरत है और न्यूट्रल की भी ज़रूरत है। हमारा इंडिकेटर में हम एक साइड से फेज दे देंगे और दूसरे साइड से हम न्यूट्रल दे देंगे। उसी तरह से हमारा जो सॉकेट है उसको भी एक फेज की और एक न्यूट्रल की सप्लाई की ज़रूरत है। हमारा जो स्विच है उस स्विच के थ्रू आउटपुट पॉइंट में से फेज जाके सॉकेट में कनेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे ना, हमारा जो फेज वायर है उसको हम इस इंडिकेटर और स्विच के आउट वाले इनपुट वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे एक फेज का वायर, और हमारा जो न्यूट्रल का वायर है वो इंडिकेटर और जो सॉकेट का जो एन वाले पॉइंट है जो न्यूट्रल का पॉइंट है उसमें एक वायर कनेक्ट करेंगे हमारा न्यूट्रल, और इस जो स्विच के आउटपुट पॉइंट से हमारा सॉकेट के एल वाले पॉइंट में यानी कि फेज वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे स्विच के आउटपुट पॉइंट में एक वायर लेकर। और हमारा जो मेन वायर रहेगा इसमें एक फेज, इसमें एक न्यूट्रल, तो इसमें करंट सप्लाई देने के बाद ये बोर्ड भी हमारा वर्क करेगा। दोस्तों इस तरह से सारे बोर्ड की वायरिंग होती है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो इसमें ये स्विच और सॉकेट को कैसे फिटिंग करते हैं। मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है। दोस्तों इस तरह इलेक्ट्रिक के सही वर्क के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप सब कुछ घर बैठ के आप खुद कर सकते हो।